हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बाजू का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप हाफ और फुल स्लीव दोनों में बना सकते हैं। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप सिलाई की बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिलाई सिखाई है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अगर आपको बाजू की कटिंग करनी नहीं आती है तो देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर। और इसके लिए मैंने ये दूसरे कलर का, ऑरेंज कलर का मैंने एक कपड़ा लिया है, और ये मेरे बाजू का कपड़ा है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन है, अगर आप सूट की बाजू के लिए बना रहे हैं तो सूट के साथ कॉम्बिनेशन जो भी आपका कपड़ा है, उसे इस तरीके से आप कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 1 इंच पर कटिंग की है। इस तरीके से आपको चकोर पीस निकालना है, इस तरीके से। आप छोटा बड़ा इसे रख सकते हैं और इसकी आप बराबर कटिंग कर लें। और इसके बाद मैं दूसरे कपड़े में से भी ऐसे ही कटिंग करूँगी। इस कपड़े से भी मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी। और ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से और जल्दी भी बन जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। और इसी तरीके से आपको दूसरे कपड़े से भी कटिंग करनी है। और ऐसे ही मैंने देखिए ये कटिंग कर ली है, ऑरेंज और ब्लू दोनों से मैंने इनकी कटिंग कर ली है, दोनों कपड़े में से। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से तिकोनी तरीके से इसे रखना है, फोल्ड करना है। आपको एक पीस इसमें बड़ा काटना है और एक छोटा काटना है। इसमें मैंने एक इंच का काटा है और एक 1.5 इंच का काटा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने देखिए इसकी कटिंग कर ली है, ब्लू वाला मैंने 1.5 इंच का और एक मैंने 1 इंच का कटिंग की है। इसके बाद हमें इस तरीके से इसे तिकोना रखना है, ये देखिए आप इस तरीके से। और जो ऑरेंज वाला है इसको भी हमें तिकोनी काटनी है। और सबसे पहले हम बाजू का जो आगे, इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लें, या आप इसमें प्रेस कर लें या सिलाई कर लें, जैसे भी आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। इसे फोल्ड कर लें और उसके बाद हम इसके आगे इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसे तिकोना काटा है। और एक मैंने ऑरेंज कलर का इस तरीके से रखना है आपको। और आप चाहे इसमें प्रेस कर लें पहले ताकि आसानी से लग जाइए। और इसे हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। और यहाँ बिल्कुल किनारे से इसमें अटैच करके लगा के इसमें उसके ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से हमें इसमें सिलाई करनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे इस तरीके से, पहले आप इसमें सिलाई भी कर सकते हैं या प्रेस कर लें, जो भी आपको ठीक लगता है। इससे क्या होता है कि हमें इसे लगाने में आसानी रहती है और ये फिसलता नहीं है कपड़ा। इस तरीके से आप कपड़ों में पहले इस तरीके से सिलाई कर लें। और ये डिज़ाइन बहुत ही जल्दी बन जाता है, कम समय में बन जाता है। इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखा हमने बाजू के ऊपर, और इसमें पक्की सिलाई कर लेंगे। अगर आप मशीन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं किस पे चला पा रहे हैं तो आप इसे पहले हाथ से भी कर सकते हैं सुई धागे की सहायता से, और उसके बाद आप इस पे सिलाई करें। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बाजू का डिज़ाइन बनाने में दिक्कत होती है, फिसलता है कपड़ा, तो आप पहले इसमें हाथ से कर लें।
इससे सफाई आ जाती है। डिज़ाइन बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए मैंने इसमें पूरे में लगा लिया है। आप ब्लाउज में, सूट में, किसी भी ड्रेस बना रहे हैं, किसी भी ड्रेस में आप बाजू में इसे लगा सकते हैं, फुल और स्लीव हाफ में किसी पर भी बनाएं। और वीडियो आपको कैसी लगी, देखिए बनके तैयार है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।